हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू साइबर वॉरियर्स यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंकर टैग के बारे में। अब जिन लोगों को नहीं पता है, पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि 5 पेजेस की कंप्लीट वेबसाइट बना के दिखाए, मतलब वेब पेजेस बना के दिखाए, जिससे बेसिकली क्या हो, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, साइन अप, गैलरी, कुछ ऐसा, मतलब 5 चीज़ें जो एक बिजनेस को चाहिए होती है। और रिक्वायरमेंट ये है कि जब मैं अबाउट अस पे क्लिक करूँ यहाँ पे, तो अबाउट अस का पेज ओपन हो जाए, जब कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करें तो कॉन्टैक्ट अस का पेज ओपन हो, ठीक है। और यही बेसिकली सारी वेबसाइट्स होती है कि जो भी हम वेबसाइट देखते हैं उसके ऊपर लिंक्स लगे होते हैं और वो होते हैं एंकर टैग। तो बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूँ मैं, और आप उसको इस वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेना जो हमारा लास्ट लेक्चर था। तो एंकर टैग कहते हैं इसको, और बहुत ही डिटेल में समझने वाले हम इसको। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारे के सारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, और मैं कर देता हूँ इसे क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बना रखा है अपना एक फोल्डर एज यूजुअल, जैसा मैं हर काम के लिए करता हूँ। साइबर वॉरियर्स के अंदर फोल्डर है मेरे पास यहाँ पे एक एंकर टैग, और एंकर टैग के अंदर यहाँ पे है 2 फाइलें, अबाउट अस और एक एंकर टैग नाम से, ठीक है जी। अब आई डोंट नो ये एंकर टैग नाम क्यों दिया मैंने, वैसे तो मेन पेज होना चाहिए था, ठीक है। एंकर टैग जो पेज है हमारा, ये हो गया हमारा मेन पेज। मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे ले आते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे लेके आ गया मैं इसे। अब ये जो पेज है इसके ऊपर होगा मेन्यू, नेविगेशन, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, और उसी में एक होगा अबाउट अस। और जब पर्सन क्लिक करेगा अबाउट अस के ऊपर तो वो पहुंच जाएगा अबाउट अस के पेज के ऊपर, जो कि ये है ना। मेरे केस के अंदर मेक श्योर सी मैंने क्या किया, एक फोल्डर बना रखा है एंकर टैग नाम से, उसके अंदर ये दोनों फाइलें पड़ी है। तो मैं आपको भी यही रेकमेंड करता हूँ कि आप एक फोल्डर के अंदर काम करें, इमेजेस भी वहीं पे हो, सारी फाइल्स भी वहीं पे हो। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे कि इमेजेस शो नहीं हो रही, बाद में उन्होंने कहा हाँ हो गया, हमारे पाथ की प्रॉब्लम थी। तो बेटर आप एक फोल्डर के अंदर काम करें, ठीक है। तो फटाफट मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ नेविगेशन, और उसके बाद करते हैं हम इसको लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल दे दिया मैंने अपनी चैनल का नाम, और टाइटल टैग क्लोज, आफ्टर दैट हेड टैग क्लोज, ठीक है, सेव किया। और यहाँ पे स्टार्ट होगा हमारा बॉडी टैग। नाउ मैं अगेन मैं इसकी डिजाइनिंग पे नहीं जा रहा, वो हम पहले सीख चुके हैं, तो आप उसमें इंप्लीमेंट कर लेना। नाउ चेक कर लेते हैं, ओके, एंकर टैग के अंदर, ओके ओके, इस फाइल में होना था वो, ठीक है। अब यहाँ पे चाहिए हमें नेविगेशन, तो बॉडी के अंदर मैं फटाफट आया, और अब तक हमने सारा का सारा काम टेबल के थ्रू किया है, तो यहाँ भी मैं यूज़ कर रहा हूँ टेबल। नाउ आई होप आपने मेरी टेबल्स की पूरी सीरीज़ देखी है, अगर नहीं देखी तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके, HTML में जाके, या वेब डिज़ाइनिंग में जाके, बेसिकली आप फॉर्म्स के लेक्चर देख लीजिए, उसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। चलिए विड्थ हम बाद में देंगे। यहाँ पे मैं चाहिए होगा टेबल के लिए एक रो, और उस रो का एक डेटा, एक बॉक्स बनता है टेबल के डेटा से, उस डेटा के अंदर मैंने लिखा होम और टेबल का डेटा किया क्लोज। ना आप चाहो तो साइड साइड में लिख सकते हो, डजेंट मैटर, बट मैं साइड में प्रिफर नहीं करता ताकि एरर इजीली मिले, मैं हमेशा कोड को सेपरेट रखता हूं। अबाउट अस, गैलरी, साइन अप, या फिर होम, अबाउट अस, गैलरी और फीडबैक, ठीक है। फीडबैक के बाद यहां पे दे दिया मैंने सपोज FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, आपके केस में आपके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है वो। और इसको किया मैंने सेव, और यहाँ पे किया चेक, तो ये कुछ ऐसा आ गया ना। ऑब्वियसली बात है ये पूरे स्क्रीन पे होना चाहिए, तो इसकी विड्थ हम सेट करेंगे, और विड्थ यहाँ पे मैंने दे दी लेट अस सपोज 100%, ठीक है। तो 100% विड्थ यहाँ पे मैंने दे दी है, और इसको किया मैंने सेव, और इसके बाद ठीक है सेव किया, और यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो ये हो गया कुछ ऐसा ना। ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है कि ये छोटा है, इसकी विड्थ ज़्यादा है, इसकी विड्थ ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा और इसकी कम है,
नाउ है कितने बॉक्सेस, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्सेस और विड्थ है 100%, ठीक है। तो एक बॉक्स बना हमारा एक टीडी की हेल्प से, तो मैंने 5 से डिवाइड किया 100 को, क्योंकि मेरे 5 बॉक्सेस, अगर आपके केस में नेविगेशन ज़्यादा है आप उतने से डिवाइड करेंगे, तो 5 को मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया। वैसे तो बहुत ईजी है, कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। 100% की विड्थ डिवाइडेड बाय 5 बॉक्सेस इक्वल्स टू 20%, मीन्स जो मेरा एक बॉक्स होगा उसकी विड्थ होनी चाहिए 20%, ठीक है। और सेव किया, बेटर आप पहले सबको कर ले उसके बाद इसका रिफ्लेक्शन चेक करें कि वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। नाउ सी दिस, सारे के सारे बॉक्स इक्वल हो गए। अब बॉक्स तो इक्वल हो गए लेकिन मैसेज हमारा लेफ्ट साइड पे और यहाँ गैप आ गया। मैं ये चाहता हूँ कि ये मैसेज आ जाए सेंटर में और थोड़ा सा बोल्ड भी हो जाए, तो यहाँ पे मैंने इस बॉक्स की अलाइनमेंट सेंटर कर दी, ठीक है। और सेम सबको हम करेंगे, और मैं ये चाहता हूँ साथ साथ होम जो है वो थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, तो होम से पहले आके बी टैग हमने किया स्टार्ट, और यहाँ पे आके बी टैग हमने किया क्लोज। बी स्टैंड्स फॉर बोल्ड। सी, अगर आपकी रिक्वायरमेंट एग्जैक्ट यही है कि अलाइन हो जाए सेंटर में और साथ में बोल्ड हो जाए, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट ये दोनों की दोनों है, तो ये कोड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अलाइन सेंटर, बोल्ड टैग, ऐसा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बेटर है आप टी डी यूज़ ना करके टी एच यूज़ करें, डेट स्टैंड्स फॉर टेबल हेडिंग, और टी एच क्लोज़ करें। सी दिस, वो अलाइन सेंटर भी हो गया और बोल्ड भी हो गया, तो मैं इसको टी एच कर रहा हूँ, ठीक है। तो टेबल की हेडिंग हम इसको कर देते हैं फटाफट, हम जितना कोड बचा सकते हैं बचाएंगे ताकि वेबसाइट हमारी फास्ट हो। पॉसिबिलिटी है थोड़ा बहुत नॉइस या डिस्टर्बेंस हो बैकएंड पे, क्योंकि लाउड स्पीकर पे गाने चल रहे हैं रोड पे, ठीक है। तो ये हो गया करेक्ट और ये मेरी रिक्वायरमेंट थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर लगाते हैं, कुछ किस टाइप का देख लेते हैं। टेबल का बीजी कलर आई थिंक रेड, आई कैची थोड़ा सा ना हो, ज़्यादा ट्रैक अजीब सा ना लगे, ठीक है चल जाएगा। अब फॉन्ट हो गया ख़राब, तो फटाफट कर देते हैं यहाँ पे हम फॉन्ट कलर इक्वल्स टू रेड, एंड इसको किया एज इट इज़ कॉपी, और अबाउट अस से पहले पेज पहले, इसलिए क्योंकि हमें उसका कलर चेंज करना है, और अब तक हमने यही सीखा है कि जिसके ऊपर डील करना है उससे पहले आओ और अपना टैग लगाओ और जस्ट बात करो टैग को क्लोज। तो ये भी मैंने कर दिया फटाफट। नाउ इसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट हो चुकी है ख़त्म, तो TR हमने स्टार्ट किया था तो किया TR क्लोज, और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो यहाँ पे हमने किया टेबल क्लोज, ठीक है। और रिफ्रेश, ओके ओके, नॉट रेड, वाइट, क्योंकि रेड तो टेबल है ना, फॉन्ट हो जाएगा वाइट तभी विजिबल होगा, ठीक है। मच बेटर, उतना प्रोफेशनल नहीं है वो, मैं पहले सिखा चुका हूँ, थोड़ा बहुत हम कर लेंगे इन फ्यूचर। थोड़ा सा टेबल की हाइट बढ़ाते हैं, 7% ट्राई करते हैं, अगर सही रहा तो ठीक है वरना कम ज़्यादा हम कर लेंगे, ठीक है। आई थिंक चलो 1% और बढ़ा देते हैं। नाउ ये गैप जो ऊपर है और साइड में है कैसे कम करना है मैं बताऊंगा, बहुत डिटेल में बताऊंगा मैं उसके ऊपर। करंटली ठीक है, अगर आपको फॉन्ट साइज वगैरह सही करना हो, कलर लगाई रखा है हमने तो फॉन्ट के साइज को भी इंक्रीज कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। 3 बाय डिफॉल्ट होता है, मैंने बहुत पहले आपको सिखाया था, अब कर लेते हैं 4 और फटाफट कर देते हैं सबके अंदर पेस्ट और रिफ्रेश। मच बेटर, 5 आई थिंक थोड़ा और लगेगा, इतना बेटर है। अगेन सारा काम खत्म होने के बाद बॉर्डर 0, इस लाइन को इरेज मत करो क्योंकि कल को अगर आप एडिट करोगे दोबारा लिखोगे टाइम बचाने के लिए, नो डाउट 2-3 सेकंड का टाइम बचता है लेकिन हमें वो टाइम बचाना है, तो आप 0 करोगे और कल को जब दोबारा एडिट करोगे तो वहाँ पे हम कर लेंगे उसको दोबारा यहाँ पे इंक्रीज। तो ये हो गया होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, फीडबैक एंड FAQ, ठीक है। और अबाउट अस का एक पेज यहाँ पड़ा हुआ है मेरे पास, और इसका कोड मैंने राइट क्लिक करके, मैं नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर रहा हूँ तो प्लस प्लस, अगर आप नोटपैड यूज़ कर रहे हैं तो ओपन विद, यहाँ पे आपको मिलेगा नोटपैड, अगर नहीं मिलता चूज अनदर ऐप, यहाँ पे जाओगे आप, यहाँ पे आपको डिटेल में कहीं ना कहीं तो नोटपैड मिलेगा, यहाँ भी नहीं मिलता मोर ऐप्स में जाके कर लेना, कहीं तो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देना है सबसे पहले लिंक होम को, अबाउट अस को, क्योंकि यहाँ पे सी जब मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो एक नॉर्मल सा है,
बल्कि वो ऐसा होना चाहिए कि आप उसके ऊपर क्लिक कर सको। सी दिस, हैंड का आइकन आ रहा है क्लिक करने वाला, और मेरी रिक्वायरमेंट भी वही है कि यहाँ भी वही है। करंटली वो मार्क करने के लिए आ रहा हूँ, मैं ये नहीं चाहता मार्क हो जाए, बट एटलीस्ट क्लिक हो उसके ऊपर, राइट? किसको करना है? इन सबको। मतलब टैग कहाँ लगेगा? इनसे पहले। क्या टैग लगेगा? मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, एंकर टैग, शॉर्ट फॉर्म हम यूज करते हैं, फुल फॉर्म मत लिखना। ए, ए का मतलब हो गया एंकर, एच आर ई एफ, एच रेफरेंस इक्वल्स टू कि आपके पेज का नाम क्या है जो आप जोड़ना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि भाई क्लिक करने पे वो यहीं पे रुके तो हैश लगा दो। अगेन ये क्लोजिंग टैग है, पेयर टैग है, अगर क्लोज नहीं करोगे तो सबके ऊपर लिंक लग जाएगा और कहीं भी क्लिक करोगे तो एक ही पेज खुलेगा। मेक श्योर आप क्लोज करो, क्लोज सिर्फ ए होता है। अगर आप सेव करके रिफ्रेश करोगे इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा और ये ब्लू कलर का हो जाएगा। और इस लेक्चर के अंदर ही मैं ट्राई करूंगा कि खत्म करूं इसी को, कि ब्लू कैसे हटाए। अगर वीडियो बड़ी होगी तो मैं एक सेपरेट पाथ बना दूंगा। अब सी दिस, इसके ऊपर आइकन नहीं आ रहा और इसके ऊपर आ रहा है, और जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो आगे जुड़ गया यहां पे नेविगेशन के ऊपर हैश। यहां पे अगर आप नोटिस करोगे, रीजन इज मैंने हैश दे रखा है। आप खाली छोड़ सकते हो लेकिन प्रोफेशनली हम हैश देते हैं, ठीक है? अब हैश का मीनिंग क्या है? हाँ, मैं थोड़ा सा शायद फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा गला खराब है, मैं चाहता हूँ लेक्चर जल्दी खत्म हो जाए। हैश का मतलब इस, मैं चाहता हूँ क्लिक करे और कहीं ना जाए, भाई इसी पेज पे रहे, तो उन जगहों पे हम ये यूज करते हैं, ठीक है? अब वीडियो को 75% पे स्लो करके देख लेना। तो होम के ऊपर मैं चाहूंगा कि home.html खुले, जो कि मैंने नहीं बनाया हुआ है, ठीक है? तो फिलहाल मैं हैश छोड़ रहा हूं और फटाफट सबके ऊपर लगा देते हैं। और क्लोजिंग टैग को भी कॉपी किया और सबके बाद कर दिया पेस्ट, ठीक है? तो सबके ऊपर आ गया लिंक, तो हैश लगाया तो कहीं नहीं जाएगा। मैं ये चाहता हूं अबाउट अस के ऊपर क्लिक हो तो ये पड़ा अबाउट अस का पेज और ये ओपन हो जाए, तो अबाउट अस के पेज में मैं आ गया। और पहले कॉमन टैग्स को कर लेते हैं कॉपी, ठीक है? और बॉडी क्लोज कर देते हैं यहां पे, ठीक है जी। अब मैं चाहता हूं यहां पे कुछ भी मैंने ऐसा सा बेकार सा लिख दिया, और मैं इसको भी कर रहा हूं ओपन, तो सी दिस वो आ गया। और मैं इसको भी कट करके यहां से अपने इस ब्राउजर पे लेके आता हूं और सी दिस वो आ गया। तो आप ऐसे भी कुछ भी डमी सा टेक्स्ट लिख दो, लेकिन ये प्रोफेशनल वे नहीं है कि आप कुछ भी कचरा ऐसा लिखो, गार्बेज टेक्स्ट लिखो। उसके लिए यहां पे मैं आज आपको बताने जा रहा हूं एक स्टैंडर्ड। आप गूगल पे जाके ये सर्च करेंगे, लॉरम इप्सम। बेसिकली ये वर्ल्ड वाइड ग्लोबल स्टैंडर्ड है कि अगर आपको डमी टेक्स्ट चाहिए, एक ऐसा टेक्स्ट जो किसी काम का नहीं है, बस आप उसको एज अ डेमो यूज करना चाहते हो, तो हम ये यूज करते हैं। इसमें से आप कुछ भी पेस्ट कर दीजिए, ये डमी टेक्स्ट है। तो मैंने यहां से एक उठा लिया अबाउट अस के लिए, और यहां से यहां तक मैंने किया कॉपी, ठीक है? और यहां पर आके मैंने कर दिया उसको पेस्ट। नाउ कई लोगों को प्रॉब्लम ये आएगा कि उनको साइड में स्क्रॉल करना पड़ रहा है और ये बहुत ज़्यादा साइड में चला गया, तो उनके लिए एक सॉल्यूशन है कि आप जाएंगे, वो कुछ ऐसा बता रहा हूँ मैं, वो कुछ ऐसा होगा। तो इतने सारे एंटर मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे जाइए व्यू पे और यहाँ पे वर्ड रैप को कीजिए ऑन, वो आपका स्क्रॉल बार हट जाएगा और सारा कुछ एक पेज में आपको विजिबल हो जाएगा, ठीक है? तो मैं इसी को कर देता हूँ कॉपी और नेक्स्ट लाइन पर कर देते हैं पेस्ट, थोड़ा सा टेक्स्ट बढ़ाने के लिए। सी दिस, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इसको। तो मैंने किया कॉपी, एंटर, पेस्ट, डबल कर दिया ऑलमोस्ट, ठीक है, मच बेटर। नाउ अगर आप नोटिस करोगे यहां पे कि लेफ्ट साइड से तो ठीक है, अलाइनमेंट बिल्कुल प्रॉपर है, राइट साइड पे ये खराब है कुछ, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, इट्स नॉट स्ट्रेट। अब ये सही करना है। अब मैं सही कहाँ करूँ? अब इतना तो क्लियर है कि यहाँ पे होगा, लेकिन कोई टैग लगा नहीं है, तो हम कौन सी एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे जब टैग ही नहीं है? तो बेटर है कि आप इसको पैराग्राफ बना दो, कि भाई ये पूरा का पूरा एक पैराग्राफ है, ठीक है जी? तो ये पूरा एक पैराग्राफ है, मैंने उसको बता दिया। अब कई लोगों का होता है एपी लगाने के बाद यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, बट मैक्सिमम केसेस में नहीं होता। अब एक टैग लग चुका है तो इसके अंदर एट्रीब्यूट लगा लेते हैं हम, जस्टिफाई। सेव किया और किया रिफ्रेश, सी दिस जस्टिफाई हो गया। अब चाहे तो अलाइन सेंटर कर लेना, लेफ्ट तो बाय डिफॉल्ट है, आप राइट कर लेना, सी दिस सेंटर हो गया दोनों तरफ से, बट हमें आई डोंट थिंक इसकी जरूरत है, हमें जस्टिफाई की ही जरूरत है।
तो ये हो गया करेक्ट। अब मैं ये चाहता हूँ ये जो मैंने सेपरेट सेपरेट पार्ट्स में पेस्ट किया है भाई, ये अलग अलग पैराग्राफ है। अब आप चाहो तो यहां लगाओ बी आर, तो भी वो नीचे आ जाएगा सीधे से, तो आपको एक और बी आर लगाना पड़ेगा इसके बाद गैप देने के लिए, ठीक है। बट अगर आप ये करो कि बी आर ना लगा के जो ऊपर हमने पी टैग पैराग्राफ टैग स्टार्ट किया है वो मैंने कर दिया क्लोज कि भाई वो पैराग्राफ हो गया खत्म, और यहां पे मैंने बोला ये एक नेक्स्ट पैराग्राफ है और ये पैराग्राफ यहां तक है, ठीक है। नाउ अगेन प्रॉब्लम है अलाइन जस्टिफाई सिर्फ पहले पैराग्राफ में, सी दिस, उसने दो की बी आर लगा दी लेकिन जस्टिफाई बिगड़ गया। मीन्स आपको ये वाली लाइन कॉपी करनी है और यहां पे एज इट इज रखना है कि इसकी अलाइनमेंट भी हमें जस्टिफाई चाहिए, ठीक है, मच बेटर। अब ये बन गया मेरा अबाउट अस पेज और दोनों है सेपरेट सेपरेट, ये है मेरा मेन पेज और ये है मेरा अबाउट अस पेज, दोनों पड़े हैं एक फोल्डर के अंदर। रिक्वायरमेंट ये है कि जब इस पे क्लिक हो जाए तो ये ओपन हो जाए, तो ठीक है मैंने कर दिया क्लिक। अभी हैश है तो मैं आ गया अपने एंकर टैग वाले कोड पे और अबाउट अस के बाद जो हैश लगा है, मेरे पेज का नाम है अबाउट स्पेस अस डॉट एच टी एम एल, ठीक है। नाउ बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे कैपिटल में लिख देते हैं, स्मॉल में लिख देते हैं, जैसा आपने सेव किया है वैसा ही लिखो, ठीक है। रिफ्रेश किया और उसको मिल गया वो टैग कि भाई क्या कर, जब बंदा इस पे क्लिक करेगा इस मैसेज के ऊपर तो एक पेज ओपन होगा एंकर टैग के रेफरेंस के अंदर। उस पेज का नाम क्या है? अबाउट स्पेस अस डॉट एच टी एम एल, तो वो मैंने डिजाइन कर दिया है। अगर ये नहीं होता इस पेज के ऊपर, इसके अंदर अवेलेबल नहीं होता तो कहता नॉट फाउंड, तो आपको वो पेज बेसिकली बनाना है। मैं आपको बताता हूँ बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे कि गैलरी का पेज इस फोल्डर के अंदर नहीं है और मैंने फिर भी लिख दिया कि भाई जब इसके ऊपर क्लिक हो तो गैलरी डॉट एच टी एम एल ओपन कर दे, तो सीधे सीधे कह रहा है मुझे नहीं मिला वो पेज, या तो वो मूव कर दिया है या डिलीट कर दिया है, तो हम बना देंगे उसको बाद में, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सारे पेजेस बनेंगे और इस पर आप लगाओगे लिंक। मैं सारे नहीं कर रहा, वीडियो बड़ी हमने नहीं करनी है, तो सेम। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि जब मैं अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ वो ऊपर का होम अबाउट अस नेविगेशन गायब हो गया, मुझे बैक करना पड़ेगा, देन मैं यहाँ पे आऊँगा, एंड दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल वे। मुझे वो नेविगेशन यहाँ पे भी चाहिए अबाउट अस पेज के अंदर, राइट? वो किसकी हेल्प से आया था? इस वाले कोड से। हाँ, कई लोगों को ये भी होता है वो गलती से यहाँ माइनस के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो कोड गायब हो जाता है, तो बहुत ईजी सा सॉल्यूशन है, प्लस पे क्लिक कर लो आ जाएगा। मैंने किया पूरा का पूरा नेविगेशन का कोड कॉपी और अबाउट अस में बॉडी के जस्ट बाद और पैराग्राफ से ऊपर किया उसको पेस्ट और सेव किया और रिफ्रेश किया। नाउ इट्स मच बेटर कि ये है मेरा होम पेज। एक सेकंड, मैं होम पेज के अंदर भी कुछ कंटेंट डाल देता हूँ, ऑड लग रहा है थोड़ा सा। दिस इज होम पेज और पैराग्राफ को टैग को कर देते हैं यहाँ पे क्लोज। अब ठीक है, खाली से तो अच्छा ही है एटलीस्ट, ठीक है, ओके। नेविगेशन ऊपर होता है और ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज होम पेज और अबाउट अस पे आया, तो बंदा अबाउट अस पे आ गया। अब उसको ऐसा लगा कि नीचे का कंटेंट चेंज हुआ है बट पेज पूरा चेंज हो गया ये, क्योंकि हमने नेविगेशन वहाँ पे भी कॉपी कर दिया। अब बंदा अबाउट अस पे क्लिक कर रहा है, वो नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है हैश। अब मेरे होम पेज का नाम होम पेज नहीं है, मैंने गलती की थी, एंकर टैग नाम है, तो मैं डाल देता हूँ भाई जब वो इस पे क्लिक करे तो एंकर टैग डॉट एच टी एम एल ओपन कर दे, ठीक है। रिफ्रेश, मैं गया होम पेज पे, ओके ओके, ये हमने लगा दिया है यहाँ पे और लगेगा ये यहाँ पे भी, क्योंकि नेविगेशन चेंज है ना दोनों केसेस में, तो ये ओके डॉट एच टी एम एल लगाना भूल गए, ठीक है, डन। जब होम पे क्लिक करेंगे तो हम यहां पहुंच जाएंगे, जब अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे। तो इस तरीके से हम लगाते हैं वेबसाइट के ऊपर लिंक्स, ठीक है। अब सीएसएस का थोड़ा सा पार्ट तो मैंने आपको कराया ये कि स्टाइल टैग लगेगा एंड ऑल, तो यहां पे ये हो गया खराब कि भाई अंडरलाइन हो गया, और मैं ये नहीं चाहता कि अंडरलाइन भी हो, और ये ब्लू कलर खराब हो गया। हाँ, एक सॉल्यूशन शायद ये वर्क कर जाए, अगर मैं इसको कर दूं, आई थिंक फॉन्ट टैग है, ठीक है, बट अगर मैं इसको यहाँ से अब कट कर दूँ फॉन्ट को, क्योंकि हमने एंकर टैग लगाने से पहले का लगाया हुआ है,
और अगर यहाँ पे पेस्ट करें देन ऑब्वियसली बात है फॉन्ट क्लोज भी यहाँ पे होगा, बट फिलहाल मैं सेव करके चेक कर लेता हूँ। ठीक है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ऐसे ही आप सबको करोगे। ठीक है, तो अंडरलाइन कैसे हटाना है वो मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर बताऊंगा, क्योंकि वीडियो हो गई है थोड़ी सी बड़ी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इसको फ्लिपकार्ट या फास्ट फूड वाले वेबसाइट में इंप्लीमेंट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अब से आपको मिलेंगे हमारे कोर्सेज के सर्टिफिकेशन, उसकी पूरी डिटेल आपको दी जाएगी। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस सब्सक्राइब करना है, वीडियोस देखते रहना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। और जो भी आप कोर्स करेंगे यहाँ से वो पूरा का पूरा आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा बहुत ही छोटी अमाउंट पे करने के बाद, बहुत ही कम फीस होगी उसकी। और फॉर्म का डेटा बैकएंड पे कैसे जाएगा पीएचपी पे, उसके ऊपर भी लेक्चर बहुत जल्दी आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।